वैसे ही पहाड़ी जो होता है कि चैत का महीना जब स्टार्ट होता है ना, उसी टाइम पे हम फुलदेही का जिस हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू सोरघाटी पिथौरागढ़ से, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनू डायरीज में। तो आज फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ। और आज ना हमारे वहाँ फुलदेही बनाते हैं, जो उत्तराखंड का लोकप्रिय त्यौहार है। और ये त्यौहार ना इसलिए मनाते हैं कि पहाड़ों में इस टाइम पे ना सारे पेड़ों में फूल खिल जाते हैं और हरियाली छा जाती है, इसलिए फुलदेही का त्यौहार मनाया जाता है। और बसंत ऋतु भी शुरू हो जाती है। और ना चैत का जो पहला दिन पहाड़, जैसे हमारा जनवरी फरवरी ऐसे मना होता है, तो वैसे ही पहाड़ी जो होता है कि चैत का महीना जब स्टार्ट होता है ना, उसी टाइम पे हम फुलदेही का जिस दिन फर्स्ट दिन होता है उस दिन हम फुलदेही बनाते हैं। और फुलदेही के टाइम पे ना हम मतलब खेतों से फूल तोड़ के लाते हैं। फूल तोड़ के लेके आने के बाद ना हम लोग अपनी देलियों में फूल रखते हैं। तो पहले के टाइम पे ना छोटे छोटे बच्चे, सारी लड़कियाँ मतलब छोटे छोटे बच्चे तैयार होते थे सुबह सुबह नहा धो के और खेतों से फूल तोड़ के लाते थे। और उसके बाद ना सबके घरों में जाके वो देलियों में यानी कि दरवाजों के कोने कोने में फूल और चावल रखते थे। फिर उनको ना उपहार में मिलता था क्या पैसे। और पहले ज़माने में मिस्री चलती थी, मिस्री या मतलब कोई भी चीज़ उनको देते थे। और उसके बाद फिर हम लोग मतलब वो लोग घर को आ जाते। पहले हम भी बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, लेकिन अब जैसे पहले बनाया जाता था उस तरीके से तो नहीं बनाते, लेकिन फिर भी देलियों में मतलब दरवाजों में फूल तोड़ के अभी भी रखे जाते हैं। इस तरीके से अभी भी इस परंपरा को मनाते हैं पहाड़ में। और मैं आप लोगों को आज पहले सबसे पहले मौसम दिखा देती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ कि पेड़ों में किस तरीके से फूल खिले हुए हैं। मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है और सुबह सुबह धूप तो आ चुकी है। और यहाँ पे ना ये देखिए सामने वाले पेड़ में फूल खिले हुए हैं। ये ना नाशपाती का पेड़ है और इसमें ना फूल खिले हुए हैं ये। और दूर दूर वो उधर पे वो आड़ू के पिंक पिंक कलर के फूल दिख रहे होंगे, वहाँ पे ना वो आड़ू का पेड़ है, उसमें भी फूल खिले हुए हैं। अभी हमारे ना गमलों के फूल भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये, और इसमें ना हमने ब्रह्म कमल लगाया हुआ है। अब देखते हैं कि ये कब लगता है। ठंडी हवा चली